जबरदस्ती कोरोना टेस्टिंग पर विरोध। महिलाओं ने मनपा में जाकर किया हंगामा। अरे एक बार चेक हो गया, दो बार हो गया कि बार बार करते रहोगे? अगर आपको टेस्ट करनी ही है तो आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं जाते हैं? मैं आई देखने के लिए तो मेरे को बोलते आप भी चेक कराओ। मैं बोला मेरे को नहीं कराना, इधर से ये फट जाता है, इधर नली डालते हैं। राशन कार्ड बनाने के नाम पर, ऐसी सारी चीजों के नाम पर नाम लिखा के ले रही है। कराने के लिए आया है, वो उधर जाते हैं, मेरा बच्चा भाग के गया, उसको दौड़ा लिए तब। और इनको कोविड पेशेंट जाहिर करके इनको क्वारंटाइन कर रही है, जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं। महापालिका कोविड टेस्ट को लेके भेदभाव नहीं कर रही है, वो व्यवसाय कर रही है। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना महामारी का प्रकोप जहां एक तरफ बढ़ रहा है, वहीं कोरोना की जबरदस्ती चेकअप करने पर महिलाओं ने हंगामा किया है। मामला भयंदर के गणेश देवल इलाके में महिलाओं ने जबरदस्ती कोरोना टेस्ट करने पर महिलाओं ने विरोध किया। महिलाओं ने MBMC में हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि बार बार कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और ये महिलाएं इसके विरोध में हैं। महिलाएं MBMC पर पहुंच गईं और महिलाओं ने विरोध किया। जबरदस्ती कोरोना टेस्टिंग पर महिलाओं ने क्या कुछ कहा है और मनपा के अधिकारी ने क्या कहा है, सुनिए। कराने के लिए आया है, वो उधर जाते हैं, मेरा बच्चा भाग के गया, उसको दौड़ा लिए तो मैं आई देखने के लिए तो मेरे को बोलते आप भी चेक कराओ। मैं बोला मेरे को नहीं कराना, मेरा बच्चा आया है उसको जाने दो। फिर मैं उसको ढूंढ के लेके घर पे गई। जबरदस्ती चेक करवा? हाँ, जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं। कोरोना टेस्ट रोज होता है, मंदिर के ऊपर बैठ के रोज करते हैं। आते जाते जो काम पे से आ रहा है, कोई थक के आ रहा है, कोई कैसा आते जबरदस्ती बोलते हैं कोरोना चेक करो। अरे एक बार चेक हो गया, दो बार हो गया कि बार बार करते रहोगे? इधर से ये फट जाता है, इधर नली डालते हैं, जबरदस्ती करते हैं। वो बंसन वालों को लाते हैं, पुलिस वाले मोटे मोटे डंडे लगे ऐसा करते, अरे नहीं जाएंगे तो डर के मारे बैठ जाते कुर्सी पे, कर दो। महानगर पालिका में आज हम इसलिए जमा है क्योंकि महानगर पालिका के कुछ प्रशासन के लोग जबरदस्ती गणेश देवल नगर जैसे एरिया में, जहाँ पे स्लम एरिया है, वहाँ पे जाके राशन पानी देने के नाम पर, राशन कार्ड बनाने के नाम पर, ऐसी सारी चीज़ों के नाम पर नाम लिखा के ले रही है और इनको कोविड पेशेंट जाहिर करके इनको क्वारंटाइन कर रही है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको चैलेंज दे के बता रही हूँ, पिछले 15 दिनों में एक भी वहाँ पे बीमार पेशेंट नहीं है, कोई बच्चा वहाँ पे बीमार नहीं है। आप कौन से बेसिस पे वहाँ पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोविड के टेस्ट के लिए आ रहे हैं? क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको टेस्ट करनी ही है तो आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं जाते हैं? आप GCC के इधर क्यों नहीं जाते हो? GCC के यहाँ पे भी पेशेंट मिले हैं दो, वो तो नर्स और माँ दोनों मिले हैं। वहाँ पे आप क्यों नहीं जाते चेक करने के लिए? वहाँ पे तो पेशेंट मिले हैं और पेशेंट मिलने के चांसेस है, वहाँ पे क्यों नहीं जाते हो? पीना कॉलो की बिल्डिंग पे क्यों नहीं जाते? वहाँ पे तो सिक्योरिटी आर्ट में एंट्री नहीं देगी। आप वैसे एरियाज में क्यों नहीं जाते हो चेक करने के लिए? वो लोग गरीब है, ये लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, बेचारे भोले लोग है। इसके लिए आप कुछ भी बोल के उनको आप यहाँ पे क्वारंटाइन करोगे? महापालिका कोविड टेस्ट को लेके भेदभाव नहीं कर रही है, वो व्यवसाय कर रही है। ये जो व्यवसाय जो वो लोग कर रहे हैं, उनको पता है पढ़े लिखे लोग रहेंगे या बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाले लोग रहेंगे, वो एक नहीं 10 सवाल करेंगे। गरीबों को एक आंख दिखा दी ना तो चुपचाप बैठे जाएंगे। इसके लिए ये यही एरिया में घुस रहे हैं, ये एरिया हुआ घोड़बंदर का एरिया हुआ, यही एरिया में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ये जो चल रहा है, ये काला धंधा चल रहा है नगर पालिके का। हाँ, गणेश देवल नगर के कुछ लोग यहाँ पे आए थे, मुझे ऐसा जानकारी मिली कि बाहर बहुत बड़ा जमाव है, तो उनमें से 4-5 लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया। उनकी क्या तकलीफ या उनका क्या कंप्लेंट है वो हमने सुन लिया। तो उनका कहना था कि महानगर पालिका की तरफ से जो टेस्टिंग के लिए लोग नियुक्त किए गए हैं, उनसे जोर जबरदस्ती लोगों को, रास्ते में जा रहे लोगों को जबरदस्ती टेस्ट करवाने के लिए खींच के लेके जाया जाता है। जबरदस्ती नाक में या गले में ये डाल के, पाइप डाल के टेस्टिंग किया जाता है, उस तरह से उनका कहना था। तो एक्चुअली नॉर्मली हम किसी के साथ जबरदस्ती किसी को खींच के ले जाने की तो बात ही नहीं, और जो भी हम करते हैं अभी तो माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कीम चल रही है, उसके तहत हर एक घर में जाके हमारे हेल्थ वर्कर है, वॉलंटियर्स है, हर एक कुटुंब के
सीनियर सिटीजन विथ कोमॉर्बिडिटी जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या किसी को कैंसर है या श्वसन की बीमारी है, उस तरह के लोगों का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें हम ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जिसको बोलते हैं, उस तरह के जो पेशेंट रहते हैं उनका हम टेस्टिंग के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। उसमें भी हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, उनको सिर्फ समझाते हैं कि ये कोरोना हो सकता है तो आप टेस्ट करा के ले लो। आज जो उन्होंने घटना बयान की है कि वो एक्चुअली गणेश देवल नगर में रास्ते पे घटी है ऐसा उनका कहना है। अभी ये वार्ड ऑफिसर को भी ये जवाबदारी दी है टेस्टिंग की, तो ये सच में किन लोगों के हाथों से ऐसे हुआ है या नहीं, तो ये 5 बजे हमारा कमिश्नर सर के यहाँ पे डेली अल्टरनेट डे रिव्यू मीटिंग रहता है, उसमें हम कंसर्न वार्ड ऑफिसर भी आएंगे, उनसे हम बात करेंगे कि ऐसे सच हुआ है या सच में हुआ है या नहीं, और हमारे मेडिकल ऑफिसर है उनसे भी हम बात करेंगे कि ऐसे हुआ है या नहीं, उसके हिसाब से हम उचित सूचनाएं उन्हें देंगे कि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जो भी है लोगों के भ्रम दूर करके, उनका जो भी आशंकाएं हैं उनको दूर करके, उनके कोऑपरेशन से ही सब काम होना चाहिए।